पूरे देश भर सहित जनपद में मंगलवार को ईदगाहों पर नमाज अदा कर ईद का पर्व मनाया गया। मुंशी प्रेमचंद पार्क स्थित हजरत मुबारक खां शहीद ईदगाह पर भी नमाज अदा की गई। ईद का पर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बड़ा त्यौहार होता है। रमजान के पाक महीने में रोजा रखने के बाद ईद उल फितर भाईचारे और अमन का पैगाम के साथ मनाया गया। ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह के समय नमाज अदा करके एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिए। इस दिन मीठी सेवइयों के साथ विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ईद के दिन दान देना शुभ माना जाता है। गरीब, लाचार, असहाय लोगों को नमाजियों ने दान भी दिया। कहा जाता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान देने से कई गुना अधिक सवाब मिलता है। नमाज अदा करने आए हुए नमाजियों ने बताया कि ईद का त्यौहार खुशी का त्यौहार होता है। रमजान के बाद आज खुशी का दिन है। आज के दिन दोस्त, रिश्तेदार और अपने लोगों के साथ मिलकर खुशी का इजहार करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि सबकी खुशहाली के लिए अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। अपना हिंदुस्तान बीमारी से दूर रहे और पूरे देश में अमन और शांति बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नमाज अदा करने आए हुए नमाजियों ने कहा, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ناصرة ولكم فيها ما تشتهي الله أكبر
कई दिन के बाद ईद आया है, कई साल के बाद आज हमको अच्छा लगा है। आपने नमाज भी पढ़ा आज, नमाज भी किस तरह की दुआ करते हैं? अच्छा करते हैं या इतने दिन के बाद आई ईद, हम लोग अगले साल से भी रोजा रहेंगे, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली। आज ईद है, किस तरह से एंजॉय? हाँ, बहुत अच्छे से अपने की सुबह उठते हैं, इसमें जिस पहले खजूर खाते हैं, फिर इमाम साहब यहाँ के बहुत अच्छी ईद की नमाज पढ़ाए हैं, फिर हम लोग नमाज पढ़ के एक दूसरे को गले मिलते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे गोरखपुर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआ मांगे हैं, और ना दंगा हो ना सब चीज़ शांति रहे, अमन कायम रहे, ये सब चीज़ की बहुत अच्छी दुआ मांगी गई है। यहाँ पर इस तरह की दुआ मांगी जाती है कि सब शांति रहे, मुसलमान हिंदू सब एक रहें, ना लड़ाई हो ना झगड़ा हो, इस सब चीज़ की दुआ मांगी जाती है इन सब चीज़ों की। मोहम्मद जैद खान, आज ईद का दिन है, हम लोग 30 दिन का रोज़ा रहे थे, आज यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करने आए थे, खुशी का मौका है, लोग आए हुए हैं। बोलो, किस तरह की दुआ मांगी? हमने दुआ मांगा शांति की, लोग सुख खुश रहें, लोगों का ना आबाद रहें और लोग तरक्की करें, लोग सब लोग सेहत सबकी अच्छी रहे। मुबशर, आज हम यहाँ आए थे ईद की नमाज़ पढ़ने, हमने ईद की नमाज़ अदा की, मैं दुआ मांगता हूँ कि हम लोग सुख शांति रहें,
और खुश रहें। 30 दिन का रमज़ान था, अच्छा भी था। सलीम नाम है। ईद है, खुशी का त्यौहार है, रमज़ान के बाद खुशी का मौका है, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मिलजुल के खुशी मनाने का त्यौहार है, तो काफ़ी अच्छा है। दुआ भी मांगी जाती है किसी? जी, दुआ भी मांगी जाती है सबकी खुशहाली के लिए, सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बीमारियों से दूर रहें और अमन और शांति रहे, एक रहें सब लोग, सारे भाई, यही है। दानिश महमूद खान, आज ईद है और अल्लाह का वो है करम है बहुत ज़्यादा कि हम लोग को बहुत मतलब अच्छी ईद मिली यहाँ पे और बहुत ही समझिए कि वो मतलब ये शांति के साथ यहाँ पे ईद हो गई और करम है अल्लाह का बहुत ज़्यादा कि हम लोग को पूरा रोज़ा भी मिला और ईद भी मिली और अल्लाह ने हम लोग को वो किया, कबूल किया, कबूल करें यही अल्लाह से। रमज़ान के दिन कैसे बीते? रमज़ान का दिन बहुत ही मतलब अच्छा बीता और बहुत ही समझिए कि वो बीता सुकून के साथ बीता और सब मिली जी, फैसिलिटी मिली, सरकार ने फैसिलिटी भी दिया हम लोग को जो भी देना था जी। दुआ में यही मांगी गई है कि मतलब अमन रहे, चैन रहे मुल्क के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो मतलब वो मतलब हो रही है, जंगें हो रही हैं, जंग ना हो, अमन रहे, शांति रहे जी, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से रहे, जो मतलब जैसा वो बना है, माहौल बना है, वैसा माहौल ना हो, हम लोग वो मेल से रहें, हिंदू मुसलमान मेल से रहें, अमन में रहें।